कैसी हो बेटा? ठीक हूँ माँ, दवा दिला दो। दिला दूंगी बेटा, कहीं से पैसे आ जाए दवाई भी ले आऊंगी। ऐसे नहीं है अभी बेटा, जा बेटा खाना ना बना लो। जी माँ जा रही हूँ। बनाने को तो कुछ है ही नहीं, बनाओ तो बनाओ क्या? तुझे खाना बनाने भेजा था बेटा, बनाया नहीं? क्या हुआ, तुझे खाना बनाने को भेजा था ना? क्या बनाऊं मम्मा, ना घर में दाल है, ना चावल है, ना आटा है, क्या बनाऊं? आप ही बताओ क्या बनाऊं मैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। क्या करूं बेटा, मैं खुद परेशान हूं। माँ क्यों ना बाहर चले मांगने? क्या करे बेटा, बाहर जाते तो पुलिस वाले डंडे मारते हैं। इस पेट की भूख से तो बाहर के डंडे ही सही है। चलो बेटा सब लोग तैयार हो, जो होगा देखा जाएगा। चलो चलो चलो। हाँ हाँ चलो। हे भगवान, कोई तो मुझे रास्ता दिखा कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूं। मेरे भगवान, मैं जा रही हूँ, तेरा ही सहारा है। ला भैया दे। दे भैया। कहाँ से चले आते हो तुम लोग, मांगते हुए शर्म नहीं आती? सरकार ने 1.5 महीने से लॉकडाउन कर रखा है, हमारे घर में खाने को भी नहीं है और राशन भी खत्म हो गया है। एक तुम ही सहारा हो भैया। हाँ तो जाओ कहीं कमाओ ना। अरे तो कोई काम दाम करो जाके। कौन काम देगा भैया, तुम काम दोगे मुझे? इनको कौन काम पे रखेगा? तुमको काम देके मोहल्ले में अपनी बेइज्जती कराएं का? मर्द नहीं है क्या? काम ही कराना होगा तो हम आदमी औरतों को रख के काम कराएंगे ना। तुम्हें काम पे रखे 10 लोगों से बेइज्जती करानी है क्या? कहीं और देखो जाके। ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे यार छोड़ो, तुम लोगों ने मूड खराब कर दिया। जाओ यहाँ से निकलो। अच्छा खासा हम लोग बात कर रहे थे। बताओ कोई काम धाम ही नहीं इन लोग के पास। चलो खुश रहो भैया, ठीक खुश रहो। हाँ यार ये लोग भी पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अच्छा खासा हम लोग बात कर रहे थे। एक तो वैसे हम लोग इस लॉकडाउन में इतना परेशान हैं, कैसे काम किया जाएगा यार बताओ। शर्म नहीं आती आप लोग को किसी के बारे में ऐसा कहते हुए? अगर हम किसी को इज्जत नहीं दे सकते तो बेइज्जती करने का भी हमें कोई हक नहीं। आपको पता है ये वो लोग हैं जो हमारी खुशियों में शरीक होते हैं। जब भी हमारे घर खुशी का मौका आता है ना तो ये लोग आशीर्वाद देने चले आते हैं। अगर हम किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते ना तो बेइज्जती करने का भी हमें कोई हक नहीं। शर्म आती है आप लोग पर। कोई हक नहीं है आपको ऐसी बेइज्जती करने का उनका। यार हम लोगों से गलती हो गई। यार चलो चल के सॉरी बोलते हैं उनको। हाँ चलो। सुनो बहुत गलत किया यार, अब तो हम उससे कुछ कह भी नहीं पाएंगे। यार शर्म आनी चाहिए हमें, आखिर यार वो भी एक इंसान थे। क्या यार बहुत गलत हुआ। अरे रोको 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 रोको। हाँ कहाँ जा रहे हो बताओ? नमस्ते। हैं नमस्कार नमस्कार। अरे भाई आप लोग बाहर आ ना निक। सर जी 1.5 महीने से लॉकडाउन है, हमारे घर में जो भी राशन था सब खत्म हो गया है, हमारा इतना बड़ा परिवार है हम कहाँ जाएं बताइए। देखिए जो भी है सार्वजनिक तौर पे आप किसी के घर नहीं जा सकते, किसी से मिल नहीं सकते। आपको पता है COVID-19 जैसी वैश्विक महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है जिसपे लॉकडाउन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित किया गया है, उसका पूर्ण पालन करिए और आप लोग हमसे ये मदद लीजिए और अपने घर जाइए और घर पे सुरक्षित रहिए। खुद को सुरक्षित रखिए और समाज को भी सुरक्षित रखिए और अपने देश को भी।
ये लीजिए पैसे और घर जाइए, अपने खाइए पीजिए और खुश रहिए। नमस्ते, चलो। पैसों में क्या होगा, थोड़ा कहीं और मिल जाता तो इनका इलाज भी हो जाता, बताओ। चलो फिर कहीं चलते हैं, भगवान कहीं में कहीं दे देगा। नमस्ते, आप लोग यहाँ बैठे हैं? क्या करें, घर में बीमार है, खाने को भी नहीं है, इसलिए बैठे हैं। बात तो आप सही कह रही हैं, इस लॉकडाउन में परेशानी तो आपको हुई होगी, तो आप लोग को मुझे संपर्क करना चाहिए था। हमारे पास कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था। अच्छा चलिए ठीक है, ये मेरा नंबर है, इसी रखिए आप लोग। ठीक है, लीजिए कुछ पैसे रख लीजिए आप लोग, और कभी भी कोई आवश्यकता और ज़रूरत पड़े आप मुझे इस नंबर पे कॉल करिए। आयल फाउंडेशन हमेशा लोगों का सहयोग करती है और करती रहेगी। ठीक है, नमस्ते।